नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी के यूपी पुलिस भर्ती 41,520 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसको लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजकुमार विश्वकर्मा का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बता देने वाले हैं साथियों, इसमें अगर आपने आपकी ओवर एज वाले हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, आपका सिलेक्शन जो है कैंसिल भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपने अगर ये गलतियाँ की है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आइए हम बताते हैं कौन सी गलतियाँ आपने की हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो साथियों, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं ओवर एज वालों को भी बना दिया सिपाही। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे जल्दबाजी का नतीजा कहे या सिस्टम का चूक या फिर अधिकारियों की लापरवाही, भर्ती बोर्ड ने मानकों को विपरीत निर्धारित मानकों के उलट अधिक उम्र के युवाओं को भी सिपाही बनने का मौका दे दिया है। और 14 जनवरी 2018 को सिपाही 41,520 पदों के लिए निकली भर्ती में जो शर्तें रखी गई थी उनसे एक शर्त यह भी थी कि अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 22 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 जुलाई 2000 से पूर्व की और 2 जुलाई 1996 के बाद की होनी चाहिए। महिलाओं के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष थी, महिलाओं की जन्मतिथि 2 जुलाई 1993 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त होमगार्ड, कोटे और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु वर्ग में छूट दी गई थी, लेकिन अनारक्षित श्रेणी में से ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया जिनकी उम्र हम निर्धारित मानकों से अधिक थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं परिणाम से यह नतीजा आ रहा है। भर्ती पर नियमावली को दरकिनार कर मनमाने तरीके से भर्ती किए जाने का यह मामला अपने आप में एक अलग तरह का मामला है। इस बाबत भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। विश्वकर्मा का कहना है कि नियुक्ति पत्र देने से पहले भी जिलों में दस्तावेजों की जाँच होती है, अभ्यर्थियों का दस्तावेज जाँच के बाद संबंधित जिलों को ही भेजा जाता है। ऐसे में और नियम के खिलाफ कोई भी ऐसे तथ्य पाए जाते हैं तो जिला स्तर पर संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा और उनका चयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। भर्ती बोर्ड ने 18 फरवरी को 41,520 पदों के लिए सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी किया था। रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद पहली गड़बड़ी सामने आई। कोटे से 21 साल से कम आयु वाले 165 अभ्यर्थियों के सिपाही बनने का मौका दे दिया गया। इस कोटे के लिए कम से कम 3 साल होमगार्ड की सेवा करना अनिवार्य था। इन सभी अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से कम थी, इसीलिए इनका चयन भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया। इसके अलावा होमगार्ड कोटे से भर्ती हुए 232 अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण DVPST के लिए मंगलवार को दोबारा बुलाया गया। मंगलवार को सभी अभ्यर्थी नहीं आए, अब इन्हें बुधवार को दोबारा सभी दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं एक और बड़ी खबर आ रही साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो क्या आंख बंद कर दिया DVPST बोर्ड ने सत्यापन। सिपाही भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की 4 प्रक्रिया से गुजरना होता है, फॉर्म भरने के बाद लिखित परीक्षा, दस्तावेजों को सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा। और फॉर्म भरने के बाद पहले ही ऐसे अभ्यर्थियों की छटनी होनी चाहिए थी, लेकिन जिनकी आयु नियमावली के तहत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिलेखों का सत्यापन करने वाले DVPST बोर्ड को इस गलती को पकड़ना चाहिए था, लेकिन यह भी वहाँ भी किसी की निगाह ऐसे अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ी। तो आज की ताज़ा खबर इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जानकारी के साथ, नई खबर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।